नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो BHDC 106 जो है, इसका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लेटेस्ट दिसंबर 2023 का, हो सकता है आपको ना भी मिला हो, पर ये हमारे चैनल पर आपको दिया जा रहा है। इसमें हम एग्जाम पैटर्न, रिपीटेड क्वेश्चन, साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम जून 2024 के एग्जाम या दिसंबर 2024 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। तो एग्जाम पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हैं हिंदी से और आपके पास दिसंबर 2023 का पेपर एक खुला हुआ है, तो आपके पास ये सब्जेक्ट कोड जरूर होगा, BHDC 106, भारतीय काव्य शास्त्र। बिल्कुल सही, 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है, बड़ा पेपर होता है। बड़े पेपर की खास बात क्या होती है, 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। 5 प्रश्नों के अटेम्प्ट करने हैं आपको लगातार। जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कितने शब्दों में करना होता है, कई बार नहीं लिखा होता, मैं बता दूँ 20 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आपको 400, आप कह सकते हैं 400 कह रहा हूँ, 400 वर्ड्स में आपको क्या करना होता है, करने होते हैं। साथ साथ 3 से 4 पेजेस में आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा। मतलब हर क्वेश्चन 3 से 4 पेजेस में, 400 वर्ड्स में 20 नंबर तभी आप अचीव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होता है, क्वेश्चन पढ़ने का भी अपने आप में एक स्किल है। रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए, देखिए यहां तक एक क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक। रस चिंतन के प्रमुख आचार्यों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको एक तो रस का अर्थ बताना है, एक क्वेश्चन तो ये है 10 नंबर में, तो आपको रस का अर्थ बताना है, जितने भी उसके प्रकार होते हैं, और रस चिंतन के प्रमुख, रस चिंतन का कॉन्सेप्ट जो है, इसके प्रमुख आचार्य भी आपको बताने हैं। रस चिंतन के प्रमुख आचार्य क्या होते हैं। काव्य लक्षण संबंधी आधुनिक हिंदी आलोचकों के मत। आप अब इस क्वेश्चन को समझ पाए, आप क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं लोग, है ना, 2 सेंटेंस को जोड़ के मिश्र वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए काव्य लक्षण संबंधी, काव्य लक्षण के बारे में आधुनिक हिंदी आलोचकों का क्या तर्क है, काव्य लक्षण के बारे में, यानी काव्य शास्त्र के बारे में क्या कमियां निकाली जाती हैं, हिंदी काव्य शास्त्र की विकास यात्रा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन जरूर आता है, हिंदी काव्य शास्त्र की क्या बताई जाए यहाँ पर, विकास यात्रा, यानी पूरी पृष्ठभूमि, कैसे कैसे हिंदी का जो काव्य है, कविताएं हैं, या आप कह सकते हैं काव्य, आप काव्य की जगह पद्य विधा भी कह सकते हैं, जो पद्य विधा है हिंदी की, किस तरीके से डेवलप करती है, विकास करती है, वो आपको इस क्वेश्चन में बता देना है। डन, आगे देखिए। अलंकार संप्रदाय की विकासात्मक यात्रा। देखिए विकासात्मक यात्रा एक ऐसा पैटर्न का सवाल हो गया, किसी ना किसी का जरूर आ रहा है। इस बार किसका पूछा है आपसे, इस बार पूछा है अलंकार संप्रदाय की विकास यात्रा, यहाँ पर किसकी पूछी है, अलंकार संप्रदाय की विकास यात्रा। शब्द शक्ति का स्पष्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा है व्याकरण से। आपको पता है शब्द शक्ति कई प्रकार की होती है, यहाँ पर आपसे शब्द शक्ति का अर्थ भी पूछा है, और लक्षणा शब्द शक्ति कई प्रकार की होती है ना, लक्षणा होती है आपकी, तो जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसका केवल एक प्रकार है, उसके बारे में आपको बताना, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में इसको दूंगा। शब्द शक्तियां तो हमें पता ही होनी चाहिए यार, हिंदी पढ़ रहे हैं, शब्द शक्ति पता होनी चाहिए। रीति शब्द का क्या अर्थ होता है, रीति शब्द का अर्थ भी बताना है आपको, साथ साथ इसके समर्थक आचार्य, वह जिसके भी आचार्य हैं, रीति के आचार्य हों या फिर रस के आचार्य हों, ये क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में जरूर आपका आना है। वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, डायरेक्टली कुछ सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। ध्वनि सिद्धांत का महत्व, इट मीन्स सिद्धांत पे क्वेश्चन डन है, एक पैटर्न यहाँ पर किसका फिक्स हो गया, कि सिद्धांत वाला क्वेश्चन सर हर बार आ रहा है, तो सिद्धांत का ये पैटर्न क्या हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया, सिद्धांत वाला पैटर्न यहाँ पर अच्छे से क्या हो गया, कवर हो गया। डन दोस्त, मुझे लगता है यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आपको हुई होगी। आगे देखिए काव्य प्रयोजन संबंधी विभिन्न आचार्यों के मत का विवेचन कीजिए या फिर काव्य शास्त्र से संबंधित विभिन्न आचार्यों के क्या हो दोस्तों आलोचना। ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट हैं आजकल। आगे देखिए भरत मुनि का रस सूत्र, ठीक है। वर्णिक छंद क्या होता है, छंद के प्रकारों में अलंकारों का महत्व क्या है, औचित्य विवेचन की समस्याएं, कौन सा क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि का रस सूत्र, क्योंकि इस समय मात्राओं का ज्ञान होता है और अलंकारों का महत्व और छंद के प्रकार, यहां से क्वेश्चन बनता है, छंद के प्रकार, कवित्त छंद, समीय छंद, जितने ही प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, छंद होते हैं, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम क्लियर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के समय में हो रहा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। डन, तो मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में कोई दिक्कत आपको हुई होगी, 10 क्वेश्चन है ना, और उनमें से केवल 5 करने, इतने सारे ऑप्शन, और मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपको बताए, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज होती है पर मैंने आपको समझा दी। ऐसे ही क्लास के लिए आप कॉन्सेप्ट क्लास के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।